नमस्कार। YouTube के एसके चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अष्टम कक्षा में पहले पाठ के 4 से 6 तक श्लोकों का सारांश करवा रहा हूँ। पहला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ये है श्लोक और उसका उच्चारण। प्रसंग कहते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ में से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। इसमें इस श्लोक में मधुमक्खी और संत के स्वभाव की तुलना की गई है। सरलार्थ कहते हैं, मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी, पीत्वा रसम यह मधुमक्खी फूलों के मीठे और कड़वे रसों को समान रूप से पीकर मीठे शहद का ही निर्माण करती है, मीठा शहद ही बनाती है, चाहे रस कड़वा हो या मीठा हो, परंतु वो मीठा शहद ही बनाती है, यह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जो संत जन होते हैं, संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो सज्जन और दुर्जन अर्थात अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्तियों के मधुर अर्थात मीठे और कड़वे वचनों को समान रूप से सुनकर अपने मुख से कभी कड़वे वचन नहीं बोलते, अपने मुँह से हम हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं, उनका स्वभाव हमेशा मधुर ही रहता है। ठीक है, अगला श्लोक है, महताम प्रकृति सैवितानाम परैरपि न जाति निजम भावम संख्यासु आकृति यथा आकृति 9 प्राणी। तो इसमें सज्जनों का स्वभाव बताया गया है, महापुरुषों का स्वभाव बताया गया है और उसकी 9 संख्या में 9 के अनुसार तुलना की गई है। प्रसंग उचित का लाभ कहते हैं, महापुरुषों का स्वभाव महताम प्रकृति, महापुरुषों का स्वभाव किसी के द्वारा प्रशंसा अथवा निंदा किए जाने पर भी बदलता नहीं है, वो यूं का यूं बना रहता है, उसमें कोई तब्दीली या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि संख्याओं में 9 का आकार, संख्याओं में 9 जो होती है, संख्याओं में 9 का आकार कभी बदलता नहीं है। इसका अर्थ यह है, भाव है इसका कि 9 जो संख्या होती है वो अपना स्वभाव अपना आकार नहीं बदलता है। जैसे हम भाड़ा या टेबल पढ़ें तो 1 9 9 18 9 27 कहीं भी चले 9 तो 9 होता ही है, 18 ले तो 1 जमा 8 9 होता है, 2 जमा 7 9 9 जब 36 3 जमा 6 9 और आगे चले 9 है 90 9 10 90 9 0 9। तो सभी अंकों में हर जगह उसके अंकों का जोड़ 9 भी बना रहता है। समझ गए, ठीक। आगे एक श्लोक, स्त्रियां रोजमानायां सर्वं तद रोचते कुलम, स्त्रियां रोजमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां त्वरोजमानायां सर्वं सर्वमेव न रोचते। इसमें स्त्रियों का स्वभाव, परिवार की स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि उनके स्वभाव का परिवार की स्थिति पर क्या अंतर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम, स्त्रियों के अच्छा लगने पर, स्त्रियों के अच्छा लगने पर वह सारा परिवार या कुल ही शोभा पाता है, सारा परिवार शोभा पाता है। और उनके अच्छा न लगने पर, अच्छा न लगने पर वह परिवार शोभा नहीं पाता है। यह है इसका शाब्दिक अर्थ। इसका भावार्थ यह बनता है कि जिस परिवार में स्त्री मधुर भाषिणी एवं अच्छे स्वभाव की हो, मधुर भाषिणी एवं अच्छे स्वभाव की हो, वह परिवार सदा उन्नति करता है। और इसके विपरीत होने पर
उस परिवार की उन्नति नहीं होती है। ठीक है, तो ये तीनों श्लोक का सदार्थ यहाँ हो गया है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।